ओके सर, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, फिल्म जो है ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है। कितना प्रिविलेज फील करते हैं या फिर कितना प्राउड मोमेंट होता है? यहाँ पर हम सर हॉलीवुड और बॉलीवुड की बात नहीं कर रहे, हम ये फिल्म सरबजीत फिल्म की बात कर रहे हैं जो कि ऑस्कर के लिए नॉमिनेट। कितना प्रिविलेज फील करते हैं आप अपने लिए? प्रिविलेज तो बहुत फील करते हैं क्योंकि जस्ट ये लॉन्ग लिस्ट में आना ही एक बड़ी बात है, क्योंकि नॉमिनेट तो बाद में होंगे लेकिन पहले ये लॉन्ग लिस्ट में आई है। और हमेशा एक ड्रीम रहता है किसी भी डायरेक्टर को, भले वो हाँ बोले या ना बोले, लगता है मन में होना, ये प्राउड मोमेंट आता ही है। अगर मेरी पिक्चर नहीं होती और किसी और की पिक्चर होती और अगर वो इस पायदान पर आती और यू नो जीत, अगर ऑस्कर में नॉमिनेट होती है, तो सबसे ज़्यादा हर एक इंडियन प्राउड होगा फील, यू नो कि लाइक मैं भी किसी और की पिक्चर के लिए ताली मारूंगा, अरे जीतनी चाहिए ऐसे। तो वो लगता है समवेयर, इट्स नॉट दैट हॉलीवुड है इसलिए अच्छा लगता है, वो एक बचपन से हो गया, नेशनल अवार्ड जीतना चाहिए, यू नो ये बड़ी चीज़ है हमारे लिए, ऑस्कर अवार्ड तो होना ही चाहिए। तो हमेशा एक टिक होता है, यू नो लाइफ का माँ के एक ना एक टाइम पर मैं उस सीढ़ी पर चढ़ूंगा जबकि ऑस्कर में नाम हमारा कहला जाएगा। यस चलिए, विश ऑल द बेस्ट कि ये एक दिन थैंक यू ऐसा जरूर होगा और आई थिंक इस फिल्म के साथ में ही होगा। थैंक यू सो मच। अच्छा डायरेक्टर सर, जानना चाहेंगे कि जब भी ये फिल्म की शूटिंग आपने स्टार्ट की या कोई भी, चाहे मैं आपकी मैरी कॉम की बात करूँ बहुत ही अप्रिसिएट की, या फिर फिल्म सरबजीत की, जब भी आप फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करते हैं या स्क्रिप्ट पे जब काम होता है या शूटिंग स्टार्ट करते हैं, दिन का शूटिंग का पहला दिन सोचते हैं, कुछ मन में आपके जहन में आया था कि ये फिल्म एक दिन ऑस्कर के लिए जाएगी या ये फिल्म एक दिन बहुत ही अप्रिसिएट करेगी, ढेर सारे अवार्ड मिलेंगे, इस तरह की कुछ बातें आती हैं आपके? जब आप जब लिखते हैं और एक कहानी सोचते हैं कि हम ऐसे बनाएंगे, तब ये बात आती है हमेशा माइंड में कि इसको किस पायदान पर लेनी जानी लेके जाना है। लेकिन ये भी होता है कि उसके बाद वो भूल जाते हैं, क्योंकि उसके बाद कहानी अच्छी बनाओ जो हमें अच्छी लगे, जो जनता को अच्छी लगे, फिर अप्रिसिएशन और अवार्ड्स आए तो वो सोने पर सुहागा है। ओके लेकिन हम यहाँ बचपन में मतलब सोचा था, हर पिक्चर स्टार्ट होने से पहले भी सोचते हैं हम, लाइक अगर मैं किसी को ब्रीफ करूँ कि भाई तुम कैसा म्यूज़िक बनाओगे, ऐसा म्यूज़िक बनाओ कि अगर आप का म्यूज़िक सिलेक्ट हो तो आप वो अगर स्टेप्स पर चल के जाते हैं जो ऑस्कर को, तो कौन सा आपका म्यूज़िक बजेगा, ऐसा म्यूज़िक बजाओ। तो इंस्पिरेशन हमेशा वही होती है, फिर भूल जाते हैं, फिर एक्टिंग पर ध्यान देते हैं, फिर स्क्रिप्ट पर ध्यान देते हैं, यू नो कैसी पिक्चर बनेगी वो ज़्यादा अहमियत हमको लगती है। क्योंकि अगर आप कहानी अच्छी नहीं बोलेंगे तो ये सब कुछ होने ही नहीं वाला है। एक बार पिक्चर अच्छी बना लो, यू आर हैप्पी विथ इट, दिखा दो ऑडियंस को, फिर यू नो बिकॉज अवार्ड्स बहुत टाइम के बाद आता है, यू नो तो वो आ जाता है, सरप्राइज होता है। लाइक ये ऑस्कर का भी सरप्राइज था मेरे लिए, यू नो कहीं सोचा था 2 साल पहले मैंने, और अभी आके एक यू नो मेरे को किसी ने कॉन्ग्रेचुलेट बोल दिया फ़ोन पर, ऐसे किस चीज़ के लिए, अरे भाई सिलेक्ट हुआ, ऐसे इज इट, तो यू नो कब बिलीव नहीं हुआ, ऐसे नहीं नहीं पहले डबल चेक करो ऑस्कर के लिस्ट में देखो, फिर हाँ सरबजीत है यार, तो फिर खुशी होती है। तो इट्स अ सरप्राइज, लाइक मैरी कॉम को जब नेशनल अवार्ड मिला तो मैं किधर था, बैंकॉक में था, नहीं नहीं सॉरी सिंगापुर में था, और मैं फ़ोन पर फोन बजे जा रहे, मैं सोया हुआ था दोपहर, मैं लेट काम कर रहा था, सोया था एंड फ़ोन बज रहा है, मैं उठा रहा नहीं फ़ोन, बिकॉज मेरी वाइफ का भी फ़ोन आ गया, हर जर्नलिस्ट का फ़ोन आ रहा है, ऐसे क्यों इतने सारे मिस कॉल हैं, क्या हुआ भाई, सर नॉमिन, ऐसे व्हाट नेशनल अवार्ड, कहाँ कब सर, आप आई मीन चूज हो गया है, मिल गया है कि नॉमिनेट, नहीं नहीं मिल गया है, ओ देन इट थिंग्स यू नो इट्स लाइक देन यू स्टार्ट फीलिंग प्राउड, यू नो आपने अपना काम कर दिया, फिर बाद में अगर पब्लिक को अच्छी लगी तो ऑब्वियसली यू आर वेरी हैप्पी। जी सर, क्योंकि नेशनल अवार्ड की बात की आपने, कुछ वो फीलिंग बयां कर पाएंगे जब हाथ में वो नेशनल अवार्ड होता है आपकी और पूरी टीम के साथ, तो वो क्या कुछ फील करते हैं आप, क्योंकि फिल्म के पीछे आपकी प्रोड्यूसर्स बहुत ही सारे लोगों की मेहनत होती है और वो मेहनत जब सक्सेस लाती है, रंग लाती है, कुछ फीलिंग वो बयां कर पाएंगे आप? सी आप हर अवार्ड जो देखते हैं, यू नो ऐसा लगता है कि जीतना चाहिए, नहीं जीतते हैं, फाइनली आता है नेशनल अवार्ड। यू नो मैं जब से काम करते आया हूँ, हर एक कैमरा मैन, यू नो रवि के चंद्रन, ये वो सब हमेशा बोलते हैं कि इसको 6 नेशनल अवार्ड, इसको 5 नेशनल अवार्ड, सब सब नेशनल अवार्ड की बात करते हैं। ये तो ऐसा लगता है कि अच्छा मेरा करियर में जब भी आएगा तब नेशनल अवार्ड मिलेगा, तो ठीक है। पहली पिक्चर में जब आ गया तो सब लोग इतने ही खुश हो गए थे कि यू नो कांट बिलीव इट, इट्स नॉट पॉसिबल कि हो गया, ये कैसे हो गया, ऐसे लगता है। लेकिन फिर याद आता है सबके बारे में, द राइटर्स, यू नो द प्रोड्यूसर एंड जो एक्टर्स है, सब लोगों ने इतनी मेहनत की है, एंड फाइनली द फिल्म गॉट एन अवार्ड, नॉट एन इंडिविजुअल, द फिल्म गॉट एन अवार्ड, तो बहुत ही हाई फीलिंग होती है। और जो जब आप जाते हो वहाँ और आपको वो अवार्ड मिलता है, यू नो गले,
तो इट्स लाइक यू नो आप देख रहे हो ये मिला है, ऐसा लगता है यू नो, बहुत बहुत खुशी होती है. वहाँ लगाया हुआ है ऊपर वैसे नेशनल अवार्ड, एंड फीलिंग इज़ टू हाई. दैट्स द बेस्ट, आई मीन दैट द बिगेस्ट ऑनर फॉर एन इंडियन अवार्ड दैट यू गेट इज़ अ नेशनल अवार्ड, यू नो, तो अच्छा लगता है. तो पहली फिल्म नेशनल अवार्ड एंड दूसरी फिल्म जो है ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है, तो मतलब कुछ प्रेशर फील करते हैं आप एज एन डायरेक्टर? या नहीं देखा, जैसे मैंने बोला कि पिक्चर तो बन गई, जिम्मेदारियां और बढ़ गई है, ऑस्कर का नाम आता है, नेशनल अवार्ड मिल चुका है, तो कुछ एज एन डायरेक्टर प्रेशर फील होता है कभी? नहीं प्रेशर तो नहीं होता, प्रेशर तो नहीं होता. मतलब अभी अगर लिस्ट में है, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो नेक्स्ट के लिए और स्ट्राइव करेंगे. प्रेशर नहीं आता है, हमेशा एक नई जर्नी होती है एक नई पिक्चर के साथ. पहले का भूल जाते हैं, यू नहीं कि मैं नेशनल अवार्ड विनर हूँ तो थर्ड पिक्चर ऐसा हो. नहीं 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 ये पिक्चर को बराबर कॉन्सेंट्रेट करो, इसको बराबर बनाओ. तो हम भूल जाते हैं मैंने मैरी कॉम बनाई, सर जरूर कुछ नहीं. दिस फिल्म भूमि है तो भी भूमि पर काम करूँगा मैं पूरा. उसमें ये नहीं है कि मेरे को नेशनल अवार्ड मिला है, ऑस्कर मिला है, ये ऐसा कुछ नहीं होता. आप अच्छी पिक्चर तब बनाओगे, आपके राइटर्स, आपके प्रोड्यूसर्स, सब इनके क्या म्यूजिक है, क्या एक्टिंग है, इसी को कॉन्सेंट्रेट करेंगे. छोड़ दिया, रिलीज हो गई, फिर अवार्ड. अरे अवार्ड मिलने वाले कि नहीं, नहीं मिलेंगे ठीक है, पब्लिक को अच्छी लगी वो भी अच्छा है. यू नो आप कहीं ना कहीं किसी को टच करते हो तो वो अच्छा लगता है. सरबजीत सबके दिलों को टच किया, यू नो द एक्टिंग, पीपल लव्ड इट. आल्सो सर मैरी कॉम जिस तरह से बहुत सारे लोग रोए फिल्म को, वो भी आई एम लाइक, तो दोनों फिल्म में लोग रोए थे पर वो अलग बात है. यहाँ सरबजीत में ज़्यादा रोए थे बिकॉज मुझे पता था कि कौन से पॉइंट पर कहाँ क्या रोल. लाइक उत्कर्षिणी जो मेरी राइटर है, यू नो लिखते वक्त हम ऐसे ही बोलते हैं कि अगर मैं ये फिल्म देखूँ मुझे टच होगा कि नहीं, यू नो हम ऐसे ही लिखते हैं. तो जब वो सीन भी हो गया, हमने शूट भी कर दिया, पिक्चर में लगती भी है, थिएटर में भी लगी, तो मेरे को मालूम है कि इस पॉइंट पर आके मेरे आंसू गिरने वाले. तो आप जा रहे हो, देखते हो और आता ही है, भले ही आपने 10 टाइम देखा हो, 20 टाइम देखा, पर वो टाइम पर वो ह्यूमन इमोशन ऐसा है कि यू नो वो कहीं ना कहीं टच कर जाता है, एंड यू क्राई और यू लाफ. सो दीज आर इमोशंस दैट यू प्ले विथ एंड यू नो दैट दिस थिंग विल वर्क, दैट्स व्हाई यू पुट इट. लाइक संदीप जो मेरे पार्टनर है लेजेंड स्टूडियोज में, जब वो लेके आए ये स्क्रिप्ट मेरे पास पहली बार, सरबजीत मैं नहीं करने वाला था ये, यू नो, तो मैं बोला कि नहीं मैं और एक बायोपिक मैं नहीं कर पाऊंगा. यू नो एग्जैक्टली नेशनल अवार्ड के बाद ही यू नो बोला कि ये तेरी नेक्स्ट है. मैं बोला नहीं नहीं मेरी पिक्चर तो ये होगा, आई डोंट वॉन्ट टू डू एनी बायोपिक. तो संदीप बोल रहा है कि नहीं तू कर, देख मेरे को ट्रस्ट कर, दिस इज़ वेरी नाइस. तो एक बिकॉज ये 4 साल पहले लिखी गई थी, किसी और राजेश बेरी ने लिखी थी, तब बनने वाले थी जब सरबजीत अलाइव थे, लेकिन जब वो पास ऑफ हो गए तो ये पिक्चर अपने आप बंद हो गई. तो जब ये लेके आए मेरे पास तो मैं बोला क्यों करूँ यार, और एक आई कांट डू इट. देन फाइनली जब मैंने दलबीर कौर के वीडियोस देखे, यू नो एक्चुअली जो यूट्यूब पर है और जो छाती ठोक के बात कर रही है, एंड ओवर द टॉप, ऐसी ऐसी शख्सियत है हमारे बीच, मुझे नहीं पता था. तो सर अगर ये कहानी इस तरह की है तो मैं री राइट करूँगा और मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसी दलबीर कौर चाहिए जो लास्ट में छाती रोके ना हार्ड जो चिल्लाती है, वो एक्चुअली दलबीर कौर है. ऐश्वर्या ने उसे हूबहू ही एक्ट किया है, तो वो मुझे चाहिए था, एंड इसलिए मैंने हाँ बोला ये पिक्चर को. फाइनली आई डिडंट वांट टू बी लेबल्ड एज अ बायोपिक डायरेक्टर कि ये सब सीरियस पिक्चर ही बनाते हैं, सोशली रेलिवेंट पिक्चर बनाते, ऐसा नहीं है. लेकिन जब मैंने ना कह दिया, मैं बोला क्यों ना कह रहा हूँ, बिकॉज ये कहानी तो कहनी है, यू नो, और मैं नहीं करूंगा तो कोई दूसरा करेगा, लेकिन कोई दूसरा नहीं कर रहा, इसलिए मैंने बोला मुझे तो करना ही है. अच्छा सर, हूबहू एक्टिंग की बात की, क्योंकि मजे हुए कलाकार है वो एक्टिंग करते हैं और आप उनसे निकलवा लेते हैं, लेकिन मैं हूबहू गेटअप की मैं बात करना चाहूंगा सर. जिस तरह से मैंने ऐश्वर्या जी को देखा, हूबहू जिस तरह से गेटअप, जिस तरह से रणदीप जी का वो जेल के अंदर जिस तरह से वो गेटअप, एज एन डायरेक्टर उनके गेटअप के लिए सर कितना बहुत बहुत करना पड़ता है, बिकॉज गेटअप पर तो काम करना ही पड़ता है. बिकॉज मुझे ऐश्वर्या ऐश्वर्या नहीं चाहिए, मुझे दलबीर कौर चाहिए. तो वो जब अगर थिएटर में आएगा, अगर एक शॉट में भी अगर आप देख रहे हो तो ये तो ऐश्वर्या है, तो मैं एज अ डायरेक्टर नहीं कामयाब हूँ. यू नो, तो वो चेंज ओवर इज वॉट आई लाइक टू मेक द एक्टर माई एक्टर फॉर द फिल्म, तो दैट हेल्प. तो इसलिए मेरे को लाइक मैरी कॉम में इनको चेंज कर दिया था. मे बी दिस इज अ बायोपिक, दैट्स वाई वी वर्क हार्डर. लेकिन हाँ, हर हर जो मेरी पिक्चर मैं आगे भी बना रहा हूँ उसमें एक्टर को बहुत ही टफ रोल होता है, एक्टर के लिए हमेशा टफ रोल होता है, यू नो, बिकॉज मैं हमें देखने को मिला, हाँ, चाहे मैरी कॉम है चाहे ये है, बिकॉज ये होना चाहिए कि ये मेरा बेस्ट रोल फॉर लाइफ है. ओके, उस हिसाब से जब मैं आपको स्क्रिप्ट दूंगा तो बोला भाई ये लाया तो कुछ गड़बड़ी होगा, यू नो, गड़बड़ होगा, डर लगना चाहिए कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो वो चैलेंजिंग लगता है. तो चैलेंज इज़ व्हाट आई लाइक टू चेंज एंड मोल्ड एन एक्टर इनटू हु इज़ रेलेवेंट फॉर द फिल्म.
यू नो फिल्म के लिए बराबर होना चाहिए. मेरे को रणदीप हुड्डा नहीं चाहिए, ही इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर, बट आई डोंट, इफ कहीं भी दिखे तो गलत है. तो जिस तरह से उसने अपनाया ये रोल और जहाँ से पतले हो गए और फिर बाद में वेट वापस पुट ऑन किया, तो दिस इज़ कोई एक्टर नहीं कर पाएगा, यू नो. एंड हैट्स ऑफ टू देम. ऐश्वर्या जिसने किया, जो 20 साल भी कर पाई, जो 60 साल की रोल भी कर पाई, यू नो, और ब्यूटी क्वीन रह चुकी है, और उसको आप वो नज़रिए से नहीं देख रहे हो, यू नो, बाल ऐसे हो गए हैं, एंड मैंने एक हल्का सा तिल भी लगा दिया था, एजिंग कैसे करेंगे, फ्रैकल्स करेंगे, उसको कैसे करेंगे, और फिर मैंने वो हल्की सी आवाज़ जहाँ से यू नो बुढ़ापे के जो आती है, एंड वो चेंज ओवर दिखना चाहिए, वो मुझे मज़ा आता है. एक्चुअली मेरे को मज़ा आता है, क्योंकि थर्ड फिल्म भी जो संजय दत्त के साथ है भूमि, उसमें भी ऐसा रोल है कि जो उनके यू नो उनका कम बैक है. एक तो वो मज़ेदार है कि कम बैक है, सब लोग यू नो फाड़ फाड़ के देखेंगे क्या करने वाला है, और उसमें अगर ऐसा कर पाया जो सबको हिला दे, तो वो मजे की बात है. सर मैं भूमि की भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले ये जानना चाहूंगा कि फिल्म नॉमिनेशन के बाद बच्चन फैमिली से या फिर प्रोड्यूसर जी जैकी भगनानी जी हैं उनसे या फिर रणदीप हुड्डा से किसी से कुछ बात हुई, या उन लोगों का क्या रिएक्शन था, अगर कुछ बताना चाहें आप, या ऐश्वर्या जी से कुछ बात हुई? नहीं, ऑब्वियसली ऐश्वर्या जी से भी बात हुई थी, और बहुत ही खुश थे कि नॉमिनेशन ऐसे यू नो ऐसी पिक्चर को फट से, अगर आप यहाँ अवार्ड नहीं जीत रहे लेकिन इतना बड़ा दायरा मिल जाता है ऑस्कर के द्वारा, तो ऐसा लगता है कि अरे कहीं ना कहीं जस्टिस मिला है, यू नो. तो ऐश्वर्या जी को मैंने जब ये फ़ोन पर बात की थी और मैसेज भी किया था, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, शी वॉज़ वेरी हैप्पी, यू नो, हैप्पी फॉर द होल फिल्म, फॉर द होल यूनिट, यू नो दैट दिस थिंग इज़ हैपेंड. तो हार्ड वर्क हैज़ पेड ऑफ. जैकी से भी बात हुई, हनी बगनानी से भी बात हुई मेरी, यू नो, बिकॉज उन्होंने ये पूरा इंडिविजुअल एंट्री भेजी थी, यू नो, इट्स नॉट एन ऑफिशियल एंट्री फ्रॉम इंडिया, पर उन्होंने, पूजा फिल्म्स ने ये फर्स्ट एंट्री भेजी थी, एंड देन इट गॉट सेलेक्टेड, यू नो. टी सीरीज से भी कॉन्ग्रेचुलेटरी हुए, तो एवरीबडी इज़ हैप्पी, यू नो. संदीप हो, मेरी वाइफ वनीता हो, उत्कर्षनी जो राइटर है, सब लोग. दलबीर कौर का फ़ोन आया मेरे, उनका फ़ोन आया, यू नो, बहुत खुश हुए. राजेश बेरी जैसे पहले लिखा था, उनका भी फ़ोन आया, तो सब लोग, यू नो, सडनली वी आर फीलिंग प्राउड दैट दिस हैपेंड. जो हमारे पुराने दोस्त भी थे सब, यू नो, सडनली वो पढ़ रहे हैं, इसलिए माई गॉड. लेकिन जैसे मैंने बोला कि अगर मेरी फिल्म नहीं होती, किसी और की फिल्म होती, तो मैं भी प्राउड फील होता. सडनली पता नहीं क्या है ऑस्कर में कि यू नो दूसरे वाला भी पढ़ता है कि इंडिया का नाम रोशन हुआ, ऐसा हुआ है. पिक्चर से ज़्यादा इंडिया का नाम रोशन हुआ. आई होप मेमोरेबल मोमेंट होगा ये सारे रिएक्शन आपके लिए. चलिए अब मैं भूमि की बात करना चाहूँगा, जिस तरह से मैंने जो जितना भी पोस्टर देखा है, वो ब्लू डार्क जो दिखाया आपने, नहीं इट्स बेसिक चॉकलेटी कलर का एक क्या तो दिखाया आपने भूमि, जितना अभी तक मैंने इतना ही देखा है, तो ये क्या होगा, क्योंकि संजय दत्त भी हैं और बेसिकली अगर आपने बराबर देखा होगा तो इट्स लाइक पूरा पेंटेड स्ट्रोक है, जो यू नो आगरा को एक नए रूप में दिखा रहा हूँ. तो आगरा की स्टोरी है, इट्स अ फादर डॉटर स्टोरी एंड इट्स अ रिवेंज ड्रामा. तो जैसे कि अगर ताज देखते हैं तो सरीन दिखता है, क्लीन दिखता है इमेज हमेशा, ताज इज़ ब्यूटी. और अगर उसमें इतना अपहीवल स्ट्रोक्स दिखाया, दिस इज लाइक अ टीज़र, स्ट्रोक्स दिखाया, तो ऑब्वियसली एक कुछ रिलेवेंस है उस जगह का, जहाँ कुछ एक इंसिडेंट होता है, तो उस हिसाब से किए. क्योंकि आपने भी बात की और हम सभी एक्साइटेड हैं, संजय दत्त का लोग कह रहे हैं कि ये कमबैक है, और बिल्कुल कमबैक है, तो कितने एक्साइटेड हैं शूटिंग के दौरान, वो कितने एक्साइटेड थे, या आप, या अब तो शूट होने वाला है, जैन 29 को हम शूट स्टार्ट करने वाले हैं, वो तो बहुत ही एक्साइटेड है, बिकॉज आफ्टर लॉन्ग टाइम ही इज कमिंग बैक. तो यस, ही इज गेटिंग प्रिपेयर्ड एंड आई एम, वी आर गेटिंग प्रिपेयर्ड. कब तक आ जाएगी सर ये फिल्म? अगस्त 4 को रिलीज है. चलिए सर, आखिरी एक सवाल, की सरबजीत के साथ MS धोनी नॉमिनेट हुई, क्या विश करना चाहेंगे? ओह, आई वांट टू, उनके फिल्म दोनों के लिए, दोनों में से कोई भी पिक्चर हो, आई मीन इंडिया का नाम रोशन होगा. MS धोनी एक फैंटास्टिक फिल्म है, ऑब्वियसली सुशांत इज अ गुड फ्रेंड, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट. आई मीन इन द सेंस इट्स अ ड्रीम, दोनों के साथ में पिक्चर आ रही है हर जगह, दोनों नॉमिनेटेड, तो ऑब्वियसली आई एम प्राउड फॉर देम ऑल्सो, मैं नहीं तो MS धोनी. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच.